ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप पर प्रशासन का शिकंजा। ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की रिकवरी का है मामला। एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर से 6 और दिल्ली से 1 अलगाववादी नेता को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर में होगी सातों से पूछताछ। निठारी हत्याकांड में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। बरकरार रहेगी मोनिंदर पंठेर और सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा। अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी है दोनों। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से गई एक व्यापारी की जान। इवनिंग वॉक को निकले व्यापारी की खुले नाले में गिरने से मौत हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। दिल्ली जल बोर्ड का पाइप फटने से लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से निकलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सैलरी बढ़ाने का फैसला किया था। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कल शाम एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सूरज के तौर पर हुई है, जो कल्याणपुरी का रहने वाला है। राजधानी में एक बार फिर से रोडरेज का मामला सामने आया है। स्कूटी साइड करने को लेकर हुए विवाद में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे को स्कूटी सवार ने चाकू मार दिया। घायल युवक को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। महाराष्ट्र के नासिक से पकड़ा गया ग्रेटर नोएडा के रहने वाला नाइजीरियन। महिला टीचर ने लगाया है नाइजीरियन पर धोखाधड़ी करने का आरोप। जीवनसाथी.com के जरिए हुई थी दोनों की दोस्ती। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में दो युवतियां मामूली कहा सुनी होने पर सड़क पर भिड़ गईं। दोनों युवतियों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गढ़ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर सड़क पर जाते वक्त एक युवती दूसरी युवती से टकरा गई और इसके बाद दोनों में कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस की उस वक्त नींद उड़ गई जब सूरजपुर कोर्ट से जेल लेकर ले जाया जा रहे एक रेप का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सूरजपुर थाना पुलिस ने रेप के आरोप में बिट्टू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। नोएडा जिला अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न करने और सैलरी न मिलने पर प्रदर्शन किया गया। नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन से अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली में ऑडी चालक पुलिस हिरासत में। ऑडी के टक्कर से हुई थी जूस वाले की मौत। हादसे के बाद फरार था ऑडी चालक। दिल्ली के आईटीयू पर शनिवार की रात हुआ था हादसा। आरोपी का नाम राजीव आनंद विहार से लिया गया हिरासत में। दरियागंज डीसीपी दफ्तर में हुई पूछताछ। गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मदर डेयरी व्यापारी से लूटे 8.25 लाख रुपए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मोदी नगर के आदर्श नगर इलाके की घटना। दिल्ली के लोकनायक भवन में लगी आग पर काबू पाया गया। 4th मंजिल पर लगी थी आग। दमकल की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया।